एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी एक्ट्रेस को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाने की तैयारी है। जांच एजेंसी बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी ने अप्रैल में एक्ट्रेस की 7 करोड़ से अधिक संपत्ति अटैच की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का मानना है कि जैकलिन को शुरुआत से पता था कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है। दोनों रिलेशन में थे। इनकी कई प्राइवेट फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद ईडी ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों की फोटोज को सबूत के रूप में रखा है। जैकलिन किड्स मामले में फिलहाल गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती है क्योंकि ईडी ने अभी तक चार्जशीट अदालत में पेश नहीं की है। अदालत में सुनवाई के बाद गिरफ्तारी की जा सकेगी, हालांकि अभी उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ईडी की पूछताछ में जैकलिन ने सुकेश के साथ रिलेशन की बात मानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर्स ने पूछताछ में बताया कि उसने सुकेश से करोड़ों के रुपए के गिफ्ट लिए थे। सुकेश ने उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। इस रिंग में जी और एस बना हुआ था। सुकेश ने एक्टर्स को एस्कुएला नाम का एक 50 लाख का घोड़ा और 9 लाख रुपए की बिल्लियाँ गिफ्ट की थी। इनके अलावा गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची के 2 जिम बियर, लुई विटॉन की 1 जोड़ी शूज, हीरे की 2 जोड़ी बालियां, मड़िक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमीज ब्रेसलेट और 1 मिनी कूपर कार दी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में सबसे पहले दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज हुई थी। उस FIR पर दिल्ली EOW ने अगस्त में जांच शुरू की। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैंड बैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की। सुकेश खुद को कभी PM ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता। इसकी धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का CFS बंगला सीज कर दिया था। बंगले से 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज़्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।